What is the name of the dog in Hum Aapke Hain Kaun? Tuffy. Tuffy. Yes. सबको पता होगा कि डॉग का नाम था टफी, लेकिन क्या आपको पता है कि टफी की डॉग ब्रीड क्या है? Hello everyone, my name is Simran and I welcome you all to your favorite pet parenting channel, Woof. Woof के इस ब्रीड गाइड के नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टफीज ब्रीड पोमरेनियन. सो अगर आप एक पेट पेरेंट है जो कि क्यूट लुकिंग अडोरेबल ब्रीड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग. लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एपिसोड. पॉइंट नंबर वन, ओरिजिन. पोमरेनियन आर अ टॉय ब्रीड जो कि ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द पोमरेनिया रीजन विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे जर्मनी एंड पोलैंड. यू विल बी सरप्राइज्ड, इंडिया में इस ब्रीड को पॉपुलराइज करने वाली थी एक्चुअली द ब्रिटेन क्वीन विक्टोरिया, एंड एक पॉइंट पे उनके पास मोर देन 35 पोमरेनियंस थे एज अ ओन. पॉइंट नंबर टू, बॉडी टाइप. पोमरेनियंस आर अ स्मॉल फ्लफी एंड टेडी बेयर लुकिंग डॉग ब्रीड. आपको याद होगा वुफ की ब्रीड गाइड में मैंने इससे पहले भी एक और ब्रीड के लिए यही लाइन बोली थी, टेडी बेयर लाइक अपियरेंस. दैट्स राइट, चाओ चाओस एंड पोमरेनियंस एक्चुअली सेम ही ब्रीड को बिलोंग करते हैं. इट्स जस्ट विद क्रॉस ब्रीडिंग पोमरेनियंस का साइज छोटा होता गया, इसीलिए अपियरेंस में ये बहुत ज़्यादा चाओ चाओ से मिलती जुलती डॉग ब्रीड है. देयर एवरेज हाइट रेंजेस बिटवीन 18-30 सेंटीमीटर्स एंड देयर वेट रेंजेस बिटवीन 1.5-3.5 kgs. देयर लाइफ स्पैन इज बिटवीन 12-16 ईयर्स. इनके इतने छोटे एंड कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इफ़ यू आर अ न्यू पेट पेरेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल ब्रीड है क्योंकि ये छोटे फ्लैट्स एंड छोटे अपार्टमेंट्स में भी बहुत ईजिली अडेप्ट कर जाते हैं. पॉइंट नंबर थ्री, कोट. दे हैव अ थिक डबल कोट दैट कम्स इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, दैट इज ब्लैक, वाइट, ब्राउन, क्रीम एंड ऑरेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर. पोमरेनियंस आर अ वेरी लाइवली एंड एक्सट्रोवर्टेड डॉग ब्रीड जो कि बहुत ही क्यूरियस एंड प्लेफुल नेचर के होते हैं. दे आर लॉयल एंड वेरी अफेक्शनेट, लेकिन इनके लिए फेमस है कि अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा अपने ओनर के साथ अटैच होते हैं. पोमरेनियंस की पर्सनालिटी बहुत ही यंग एज से काफ़ी बोल्ड एंड काइंड ऑफ स्टबर्न मानी जाती है. सो वुफ एडवाइस है, अगर आपको अपने पोमरेनियंस को ट्रेन करना है देन प्लीज स्टार्ट एट अ यंग एज ताकि वो ईजिली अडेप्ट कर पाए. येस, दे मेक लवली गार्ड डॉग्स बिकॉज दे आर वेरी लॉयल, लेकिन उनकी एक्सेसिव बार्किंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है ओनर्स के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज. पोमरेनियंस आर अ मीडियम एनर्जी लेवल डॉग ब्रीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. इन्हें ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती लाइक अदर डॉग ब्रीड्स, गोल्डन रिट्रीवर या फिर रॉटवाइलर. एंड इसी रीजन से पोमरेनियंस मेक द बेस्ट डॉग ब्रीड फॉर एल्डरली पीपल, क्योंकि कम आउटडोर एक्टिविटी में भी दे स्टे वेरी हैप्पी एंड हेल्दी. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इश्यूज. पोमरेनियंस आर जनरली अ वेरी वेरी हेल्दी डॉग ब्रीड. वो इंडियन एनवायरनमेंट में बहुत ईजिली अडेप्ट कर जाते हैं. दे आर वेरी लो मेंटेनेंस डॉग्स, बट जस्ट लाइक अदर एनिमल्स दे ऑल्सो आर प्रोन टू सम जेनेटिक डिजीजेज. दीज जेनेटिक डिजीजेज इंक्लूड डेंटल प्रॉब्लम्स, हिप डिस्प्लेजिया एंड इट इज़ वेरी कॉमन. पोमरेनियंस की आईज बहुत कॉन्स्टेंटली वाटर होती हैं, सो मेक श्योर दैट यू हैव एन आई वॉश जो कि कैनाइन फ्रेंडली हो एंड आप ध्यान रखें और उसकी आईज को कंटिन्यूसली क्लीन करते रहें. देर इज अनदर विच इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज जो कि इन्हीं स्मॉल टॉय ब्रीड्स में होता है, विच इज़ हाइपोग्लाइसीमिया. दिस इज कॉल्ड लो ब्लड शुगर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज एंड स्मॉल क्वान्टिटी फूड दैट दे ईट. इनकी ब्लड शुगर लो हो जाती है एंड दे फील लिथार्जी, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस. सो आर एडवाइस इज आप रेगुलर वेट चेकअप्स करते रहें एंड कीप योर पोमरेनियन बेबी हेल्दी. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रूमिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया, पोमरेनियंस हैव अ थिक डबल कोट जिसकी वजह से दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ग्रूमिंग सेशंस. सो आप अपना डे ऐसे प्लान करें दैट यू रेगुलरली ब्रश देयर फर कोट. इससे आप उनकी टैंगलिंग, उनकी मैटिंग को भी प्रिवेंट कर पाएंगे एंड यू कैन इवन कंट्रोल देयर शेडिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग. पोमरेनियंस आर अ माइल्डली ट्रेनेबल डॉग्स क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनका नेचर थोड़ा स्टबर्न होता जाता है बिकॉज दे हैव अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी. सो अगर आप एक पेट पेरेंट है जो कि पोमरेनियन को अडॉप्ट कर रहे हैं देन उनकी हाउस ट्रेनिंग आप बहुत ही यंग एज से स्टार्ट करिए ताकि कोई ऐसी हैबिट्स ना फॉर्म हो जाए जिन्हें आप बाद में फिर ब्रेक ना कर पाएं.
एंड इवन सोशलाइजेशन आप उनकी बहुत यंग एज से जब स्टार्ट करा देंगे, आप उन्हें दूसरे लोगों से मिलवाइए, छोटे छोटे बच्चों से मिलवाइए, ताकि आगे जाके आपको उनकी एक्सेसिव बार्किंग की भी कोई इशू नहीं आएगी। फाइनल पॉइंट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। पोमरेनियंस टॉय ब्रीड में आते हैं जिनका फूड इनटेक लार्जर ब्रीड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। सो मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 टाइम्स अ डे इज मोर देन इनफ फॉर देम। हियर इज अ रीकैप ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ पोमरेनियन। प्रोज, फर्स्ट दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन स्मॉलर स्पेसेस। तो अगर आपका घर छोटा है या फिर फ्लैट में स्पेस कम है, देन दिस इज अ गुड ब्रीड टू हैव। Second, they are very, very adaptable in Indian climate and they're a low maintenance dog breed. Third, they're great with children, but they are the best with elderly people क्योंकि इनको outdoor activity की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. And finally, because of their light weight, they are very easy to travel with. The cons are, first, they're a mildly trainable dog breed क्योंकि इनकी personality थोड़ी सी stubborn होती है. And second, the excessive barking can be a bit of an issue for their owners as well as for their neighbors. So there you have it. Ye thi Woof ki breed guide on the lovely and charming toy breeds from Pomeranian. So agar aap ek pet parent hai jo ki is toy breed ko adopt karna chahte hain, then in sare pointers ko dhyan mein rakhiyega and take your decision wisely. Aur koi bhi agar aapko doubt ho, then Woof to hai hi. This is me, Simran. I'll be back with another episode to help you in your pet parenting journey. So stay tuned, like, share and subscribe to Woof. This is me, Simran, signing off. I'll see you in the next one. Bye.